स्टूडेंट्स आज असी करांगे क्लास 8 दा चैप्टर 8 सैल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब सैल बनतर अते कार्य। इस चैप्टर विच असी सैल बारे पढ़ांगे। सैल नूं असी इट नाल कंपेयर कर सकते हैं, जिवें इटां नूं जोड़ के असी घर बनाउने आ, उदां ही लिविंग बॉडी दी फॉर्मेशन भी किद्दां हुंदी है। बहुत सारे सैल मिल के एक बॉडी दी लिविंग बॉडी दी फॉर्मेशन करदे ने। हुण साडे दिमाग च इह वी आएगा भी किन्ने सारे प्लांट्स ने, ऑर्गेनिजम्स ने, असी हाँ। सो ये सारे सारे जिने भी हैं, प्लांट्स होन, ऑर्गेनिजम्स होन या ह्यूमन बीइंग्स होन, ये सारे सैल्स से बने होंगे ने। सो सब तो पहला आएगी डिस्कवरी किन्ने की होएगी सैल की। सो डिस्कवरी की सी सैल की रॉबर्ट हुक ने 1665 उन्हें एक कॉर्क लिया। कॉर्क की होंगे, कॉर्क प्लांट का एक डेड टिश्यू होंगे है। उन्हें जो कॉर्क में माइक्रोस्कोप के एग्जामिन किया तो ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे बॉक्सिस हैं। उन्हें उन्होंने बॉक्सिस में सैल्स का नाम दिता। दैन सैल हुंदा की है? सैल नूं असी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की मुढ़ली इकाई कहने हैं। क्यों? क्योंकि एक जीवन की जी शुरुआत आ वह कितों हुंदी आ? सैल तो हुंदी आ। इनू आपां स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहने हैं, क्योंकि यह सब तो छोटा पार्ट हुंदा है लाइफ का। हुण आपां सैल की वेरिएशन देखांगे, ठीक है? सैल नंबर, सैल साइज ते सैल स्ट्रक्चर, ठीक है? सब तो पहला आपां सैल नंबर देखांगे। सो जिन्हें जो ऑर्गेनिजम एक सैल तो बने होंगे ने उन्होंने आप यूनीसैलर ऑर्गेनिजम कहने, जिमें अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशिया, ठीक है। दूजे नंबर पर आते हैं मल्टी सैलर ऑर्गेनिजम, वो ऑर्गेनिजम जो बहुत सारे सैल्स तो बने होंगे ने, मिलियनस ट्रिलियनस ऑफ सैल्स से बने होंगे ने, जिमें कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हमने तुम्हें मैं दिखाया कि अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम की है यूनीसैलर ऑर्गेनिजम्स ने, मतलब सिर्फ एक सैल से बने हुए हैं। सो इन्हे की है, डाइजेशन हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए या फिर रेस्पीरेशन है, जिन्हें भी अलग अलग फंक्शन होंगे ने बॉडी के, वो सिर्फ एक सैल करता है, ठीक है। इस तो बाद आप डिवाइड करांगे शेप ऑफ सैल्स के बारे, ठीक है। सैल्स जेड़े ने उन्होंने शेप डिफरेंट डिफरेंट होंगी है। सब तो पहला की है, वो सैल्स जिन्हों की शेप चेंज होंगी रही है, मतलब कि उन्हों की कोई शेप फिक्स नहीं होंगी, जिमें कि अमीबा, ठीक है। अमीबा है पहले नंबर पर, और यदि शेप देखो कि इरेगुलर जी हैगी है। दूसरे होंगे ने साडे वाइट ब्लड सैल्स, इन्हों की भी शेप की है इरेगुलर होंगी है, ये अपनी शेप चेंज कर देंगे ने, फिक्स नहीं होंगी। दूसरे सैल्स वो होंगे ने जिन्हों की शेप फिक्स होंगी है, कुछ की होने स्फेरिकल जिदा साडे RBCs ने, कुछ हो इलोंगेटिड होंगे जिदा साडे मसल्स के सैल होंगे ने, और कुछ होंगे ने ब्रांच जिमें कि न्यूरोन्स। न्यूरोन सैल्स होंगे ने जो साडे दिमाग दे विच होंगे ने, इन्हां नूं आपां नर्व सैल भी कहने हैं, ठीक है। उस तो बाद आएगा साइज ऑफ सैल का की फर्क पएगा, ठीक है। साइज ऑफ सैल दे विच की वेरिएशन होंगी है, कुछ सैल इन्ने ज़्यादा छोटे होंगे ने कि आपां उन्हां नूं बिना माइक्रोस्कोप तो देख ही नहीं सकते, सिर्फ आपां उन्हां नूं माइक्रोस्कोप दे विचों ही देख सकते हैं। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी यूनीसैलर हो गए, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ईवन साडे जिहड़े RBCs ने, WBCs ने, ये सारे की है माइक्रोस्कोपिक सैल्स ने। और कुछ सैल इन्ने वड्डे होंगे ने जिन्हां नूं आपां नंगी अख नाल देख सकते हैं, जिवें कि एक मुर्गी का अंडा, वह भी एक सैल है, ठीक है। जे आपां इह जानना होवे भी सब तो छोटा सैल किहड़ा हुंदा है, तां उह हुंदा है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया का सैल है, ठीक है। और जे आपां कहीए सब तो वड्डा सैल किहड़ा हुंदा है, तां उह हुंदा है ओस्टिच का एग, उह सब तो वड्डा सैल हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद आपां करांगे वेरिएशन की होएगी अगर जे आपां गल करिए राइनो, कैट या रैट विच, ठीक है। आपां कहांगे भी इन्हां दी साइज़ अलग अलग है, सो इन्हां दे विच सैल्स भी अलग अलग होणगे, बट नहीं, साइज़ दा ऑर्गेनिजम दे साइज़ दा उन्हां दे सैल्स दे नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा, ठीक है। हुण इह भी क्वेश्चन हैगा तुहाडी बुक दे विच भी, रैट दा साइज़ इन्ना छोटा है और एलीफेंट दा साइज़ इन्ना वड्डा है, सो हो सकदा उहदे सैल छोटे होण रैट दे और एलीफेंट दे वड्डे होण, पर इदां दा नहीं हुंदा कि जिहड़े सैल दा साइज़ हुंदा है ना या स्ट्रक्चर होएगी या जो शेप है वो कितने डिपेंड करती है, वो दे फंक्शन ते डिपेंड करती है, सैल दे फंक्शन ते, ना कि साइज ऑफ एनिमल देते, ठीक है।